आठ मिक्स इज नॉट द प्रॉपर फूड फॉर नॉट ओनली फॉर डिस्कस, कोई फिश को खिलाना नहीं खिलाना नहीं। सो ये बारे में आपको क्या बोलना है? हाउ आई कम टू नो यू नो अगर मेरे को फ्रेश नहीं मिला तो मेरा बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, आई डोंट पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभार जो कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हो, व्हाई यू डू दैट? है बीफ हार्ट मिक्स या गोट हार्ट मिक्स? तो ज्यादा हेल्दी कौन सा? हार्ट मिक्स खिला रहे हो, देन यू नीड टू एंड यू नीड टू चेंज डेली वाटर चेंज यू यू टू मेक एट इज अ मिनिमम वाटर। रिसेंटली लाइक आई हैव कम टू नो कि नहीं ऐसा रोज रोज हार्ट मिक्स खिला के अब रोज वाटर चेंज नहीं भी करो तो चलेगा। सो इज इट पॉसिबल ना कि इधर कुछ मैनिपुलेशन होने का भी कुछ, नॉट मैनिपुलेशन आई मीन एडल्ट्रेशन होने का भी कुछ चांसेस कुछ होता है क्या? है, बहुत चांसेस होता है क्योंकि वंस मैंने कम टू नो गोट हार्ट एंड एनिमल हार्ट यू इजिली कम टू नो गोट हार्ट डजंट एट बीएम सीइंग कि अरे ये क्या सीन्स है, तो आई स्टॉप बाइंग फ्रॉम दैट पर्सन। इफ अगर कुछ अलग होता है कि इट्स नॉट अ गोट हार्ट इट्स समथिंग एल्स, तो मतलब क्या वो तो आपका वो सेंटीमेंट बोलो वो से तो खिलवाड़ खिलवाड़। आज ऑनिस एक्वा का और एक नया वीडियो में वेर आई एम राइट इन मुंबई। तो आज हम लोग बात करेंगे चर्चा करेंगे इट्स ऑल अबाउट हार्ट मिक्स और कौन हो सकता है हमारे गेस्ट, तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम, दैट इज ही इज द फेमस मिस्टर रॉडनी डिसूजा जो कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस डीजे भी है। एंड व्हाट ही इज एग्जैक्टली नोन अबाउट इज he is a very big very renowned seller of heart mix and discus food. Rodney ji, how are you and, sir and welcome to Onis Aqua. thanks a lot, thanks a lot. So Rodney da ye bolega na ki where this heart mix is concerned how good that food is for discus actually, because main thoda sa shocked hua hu ki a few people said ki heart mix is not the proper food for not only for discus, कोई fish को खिलाना नहीं। So ये बारे में आपको क्या बोलना है? Basically मैं क्या बोल सकता हूँ कि sometimes heart mix is a problem, but problem है कि अगर आगे सोच से अच्छे से नहीं मिला तो basically what happens अगर एक जगह पे कट रहे माल तो some people just get it out गरम गरम, sometimes you get that heart very hot, so sometimes people get it directly and do it, that's one of the best hearts I could say, but problem with Bombay is वो कटते हैं उधर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, यू डोंट गेट इट स्पेसिफिकली वेरी फ्रेश ऑल्सो समटाइम्स यू गेट इट वेरी फ्रेश समटाइम्स यू डोंट गेट इट फ्रेश, बट कभी कभी आई सेल नाउ तो मेरे को आगे वाला बोलते हैं इट्स फ्रेश, मतलब ओके देन आई टेल माई पीपल हु आई सेल इन फ्रंट दिस इज दिस मच डे ओल्ड सो आई कैन सेल इट टू इन एवरीथिंग। यस कॉन्ट्रोवर्सी है बिकॉज बॉम्बे में सम पीपल जस्ट रेज बाय पैलेट्स, एज वन ऑफ माई क्लाइंट्स आई इवन सेल पैलेट्स, he raises only on pellets, he sells only on D50 wild, he feeds only that fish and uska fish ka size dekha hai maine, it's like aap bhi chok jaoge like yeah, it's very shocking like. Pellets se bhi grow sakta hai, khali problem with pellets is cost cutting zyada cost mein zyada gir jata, that's why people prefer heart mix and goat heart and everything, to usme kya hai cost cutting kam ho jata hai pura, yani ek aap bolna chahte ho ki that is first and foremost hum log ko वो हार्ट मिक्स को हम लोग को एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश मिलना चाहिए, और एल्स उसी में पहले से थोड़ा बहुत गड़बड़ी इट माइट स्टार्ट कि वहाँ से थोड़ा बहुत गड़बड़ी स्टार्ट होगा। सी हाउ आई कम टू नो यू नो अगर मेरे को फ्रेश नहीं मिला तो ओके द फ्रंट पर्सन टेल्स मी यस ये फ्रेश है, बट व्हेन आई गिव इट टू माई क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग फटाक से कर करके एवरीथिंग तो वो लोग दे गिव मी द रिजल्ट्स कि ये मच्छी ठीक से नहीं खा रहा। अच्छा समटाइम द फिश होता है क्या कि मानिए अगर फ्रेश नहीं हो हाँ तो फिश वो खाएंगे नहीं, डजंट एक्सेप्ट इट दैट इजीली, डजंट एक्सेप्ट दैट इजीली, तो समझ जाने का कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है फूड में। आप ये जो फ्रेश ये तो अनफ्रेश बोल रहे हो यानी मिलना फर्स्ट प्रोक्योरिंग दैट दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, तो आप प्रोक्योर करते हो सबसे पहले उसके बाद आप बनाते हो हाँ, तो आपको सबसे पहले कैसे मालूम पड़ेगा? मैं मीन टू से इन मैं हॉबीज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, एक हॉबीज अगर मैं हार्ट मिक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे फ्रेश मिले, फ्रेश मिले हाँ। So, तो वो मुझे कैसे मिलेगा यानी स्टेट में एक पर्टिकुलर वो मार्केट में गोट या मीट जो भी अदर एनिमल्स का हो हाँ। मतलब मैं उधर जाके सीधा उनको वो सीधा सीधा निकाल के मुझे काट के देंगे देन ओनली आई विल बी गेटिंग टू नो कि वो फ्रेश है, फ्रेश है तब उधर में पुराना होने का कोई चांस नहीं, चांस नहीं है वो तो पता ही नहीं चलेगा। नाउ मेरा जो डीलर है वो मेरे को बोलता है कि आज आ रहा है माल हाउ मच एवर यू वांट, सो माय ऑर्डर इज एवरी मंथ का तो एक्सीड ही होता है एंड मेरा तो मैक्सिमम गोटाट है बिकॉज माय क्लाइंट्स आर बेसिकली गोटाट पीपल ओनली,
मैं बी फैट बहुत कम बेचता हूँ एंड ऑल दिस थिंग. सो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे को आता है हार्ट, आई मेक इट फ्रेश. आई ऑलरेडी गेट प्री ऑर्डर्स. सो वॉट आई गेट नाउ, इफ आई आई गेट 10 kgs, तो माई प्री ऑर्डर इज ऑलमोस्ट 6-7 kgs. तो मेरा फटक से नेक्स्ट डे आई फ्रीज इट फॉर वन डे एटलीस्ट, बिकॉज फ्रीजिंग तो इंपॉर्टेंट है बहुत उसमें. आई फ्रीज इट फॉर वन डे प्रॉपरली एंड देन नेक्स्ट डे ओनली आई स्टार्ट शिपिंग इट अप. किसको क्या चाहिए, देर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ माइंड, सो वहाँ पे क्लाइंट बोलते हैं मेरे को इतना चाहिए, प्लीज सेंड इट टू मी. इफ इट्स आउटसाइड स्टेशन ऑल्सो आई टेल यू हैव टू गिव इट प्रायर 2 days बिकॉज आई नीड टू फ्रीज इट प्रॉपरली. अगर इफ आई डू वन डे फ्रीजिंग इट, इवन इफ आई पुट ड्राई आइस इन साइड दैट, इट विल नॉट फ्रीज दैट ईजिली. वंस यू हैव टू फ्रीज इट इन द फ्रीजर प्रॉपरली एंड देन शिप इट एंड एवरीथिंग. वैन आई गिव दैम फूड समथिंग, मेरा 1 week तक अलग कॉन्टैक्ट रहता है ये उन लोग से, कैसा है खाना कैसा है खाना, लेट मी नो. इफ दे से कि इस टाइम में कुछ अच्छा नहीं हो गया खाना, देन आई टेल देम नो वरी, क्योंकि मैंने उसमें एक इंग्रेडिएंट चेंज किया है. सो आई हैव माय इंग्रेडिएंट्स आल्सो. सो यू कीप ऑन चेंजिंग सम टाइम ऑफ द अदर. सम टाइम इट इज आई कीप चेंजिंग बट आई टेल देम आल्सो कि आज थोड़ा वो नाटक करेगा खाने के लिए. आप फिर ये कभी-कभार से कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करते हो, व्हाई यू डू दैट, what's the reason? So is it just for a change ke liye because climate, ha climate changes ke hisab se. Acha, yani aap bolna chahte ho climate ke hisab se change karna chahiye, so it is necessary. Yes, any reason for that ki season? Yeah, season wise change hote rehta hai kyunki thandi mein immunity strong rehna chahiye, kyunki thandi mein white shed ka issues bahut hota hai. बारिश में ब्रीडिंग सीजन्स रहते हैं, तो वहाँ पे चेंज होते हैं थोड़ा बहुत फूड. पर मेरा बारिश का फूड और समर्स का फूड जो अभी चालू है मेरा, वो बेसिकली सेम ही रहता है मेरा, क्योंकि द फूड विच आई यूज़ इज बेसिकली फॉर इम्यूनिटी एंड ब्रीडिंग. सो व्हेन द फिश इज़ ग्रोइंग एंड एवरीथिंग, उसको सब कुछ मिल जाता है वो मेरे फूड में जो भी है. सो माय इंग्रेडिएंट्स आर सिंपल एंड स्मॉल. आई गॉट गुड रिजल्ट्स विद कलर ग्रोथ, फर्टिलिटी भी मिला है मेरे को. फ्यू ऑफ माई पीपल टोल्ड मी, जो आई वॉज सेलिंग इन बिटवीन ब्रीडिंग फूड ऑल्सो, सो आई गेव इट टू 4 people, उसमें से 2 को रिजल्ट्स मिला, 2 को नहीं मिला. तो आपके हिसाब से लाइक विच वन इज द मोर हेल्दियर वन फॉर डिस्कस, दैट इज नॉर्मली तो 2 होता है, एक है बीफ हार्ट मिक्स एक है गोट हार्ट मिक्स, तो ज्यादा हेल्दी कौन सा है? हाँ, विच इज बेटर फॉर डिस्कस. हाँ, एनिमल एनिमल हार्ट मिक्स. सी मेरे को भी क्वेश्चंस बहुत आता है कि व्हाट यू प्रेफर ग्रोथ इसके लिए, ग्रोथ के लिए. सी ग्रोथ के लिए तो आई वुड सजेस्ट वेन यू शिफ्टिंग फ्रॉम बेबीज, वेन यू आर कन्वर्टिंग टू सम हार्ट मिक्स, सो कन्वर्टेड टू गोट हार्ट फर्स्ट, बिकॉज गोट हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट रहता है बहुत. सो बेबीज कैन डाइजेस्ट वेरी फास्ट एंड समटाइम्स पीपल से गिव मी बेबी ग्रेड. सो आई थिंक आई डोंट बेबी ग्रेड में कुछ नहीं करता ऐसा खाने का, जस्ट एक ग्रेटर मच्छी का अपना चीज ग्रेटर आता है ना. अच्छा, बेबी ग्रेड मींस वो फाइन पेस्ट करके देने के लिए बोलते हैं. सो व्हाट आई डू, आई टेल देम इज टेक दिस नॉर्मल ग्रेड ओनली फ्रॉम मी, उसको कड़क कड़क बाहर निकालो और ग्रेट करो, तो वो अपना हिकारी बायोगोल्ड साइज से गिर जाते हैं. सो दे ईट एवरीथिंग इन दैट. सो आई टेल देम दैट थिंग फर्स्ट कन्वर्टेड टू, वंस दे गेट टू दैट 1-2 inch, देन स्टार्ट योर हार्ट मिक्स, देन फीड वॉट एवर प्रेफर्ड है, बिंदास खिलाओ. यू आर टेलिंग मी कि a lot of people come to me goat heart mm-hmm. and some people come to me ki ghar pe allow nahi hai mera to give me animal heart, so I'm like are you sure, bolte nahi hum log nahi kha rahe hai, so at least woh log to khane to jo bhi hai. So I tell them, so sometimes some people don't want it because mummy is not allowing in the fridge and all. Like goat heart leke jo mera, ha kyunki mera preferred religious goat heart mix mein ye dono mein ingredients mane uska bhi jo ingredients hota hai, तो वो कौन सा क्या होता है अगर इफ यू बी एबल टू टेल दैट. सी आई विल नॉट टेल हाउ मच ऑफ प्रोटीन, हाउ मच ऑफ वाटर, हाउ मच ऑफ फैट, हाउ मच ऑफ द अदर. हार्ट मिक्स में 100 grams हार्ट मिक्स में अराउंड 17-18 grams प्रोटीन रहते हैं, सो पीपल कैन कैलकुलेट दैट एंड ऑल दिस थिंग. एंड गोट हार्ट इज लिटिल बिट मोर आई थिंक. सो मैं गोट हार्ट का अभी तक फाइंड आउट नहीं किया, बट आई गॉट गुड रिजल्ट्स इन गोट हार्ट. आई वुड लाइक टू नो द इंग्रेडिएंट्स. सो मेरा बेसिक इंग्रीडियंस है, आई डोंट पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरा बेसिक है एंड इट वर्क्ड फॉर मी फ्रॉम पास्ट 1 year, सो आई एम गिविंग दैट ओनली टू एवरीवन. कुड यू जस्ट डाइवर्ज एज़ टू आप क्या क्या इंग्रीडियंस डालते हो मिक्स कर. सी बेसिक इंग्रीडियंस है मेरा, तो आई विल नॉट टेल यू द पाउडर्स नेम बिकॉज सम थिंग्स हैव टू बी सीक्रेट. ओके, दैट्स द बेसिक मेरा होता है, गार्लिक रहता है, मेरा एक पाउडर है एंजाइम्स करके, एक एंजाइम्स करके पाउडर रहता है, तो मैं वो डालता हूँ, दैट्स फॉर डाइजेशन एंड एवरीथिंग एंड दैट वर्क्स. If you feed them continuous for 8 months or something, then that works for my December season also, which is cold. So that bacteria works for digestion and all those things. And baki sab wo calcium, vitamin A, C, whatever. Vitamin vitamins to rehta hi hai usme. That's basic. But in a sensible way,
vitamins also you have to give it a sensible. It's not like continuous. You have to give it for, अगर if you have bought 1 kg, continuous नहीं देना पड़ता. अच्छा. That also vitamins भी side effects देते हैं मच्छी लोगों. जैसे जैसे कि मैंने. और अभी ये मैंने एक. This is I'm hearing for the first time, so I'm very. नहीं नहीं ये हो गया. मैं one of the very good friend of mine, उसने मैं ज़्यादा दिया बाने. ये told. ये told. The norm we hear is अगर आप कुछ भी हार्ट मिक्स खिला रहे हो देन यू नीड टू एंड यू नीड टू चेंज डेली वाटर चेंज यू यू टू मेक दैट इज अ मिनिमम वाटर रिसेंटली लाइक आई हैव कम टू नो कि नहीं ऐसा रोज रोज हार्ट मिक्स खिला के आप रोज वाटर चेंज नहीं भी करो तो चलेगा. सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? आई विल टेल यू माय ओपिनियन. व्हाट डू यू डू इन दैट केस एज यू कीप डिस्कस एज वेल? इफ यू हैव फुल आई एम वर्किंग गाय मेरे पास पूरा टाइम नहीं है एवरी डे वाटर चेंज करने के लिए. इफ आई लीव माई जॉब एंड डू देन आई विल डू वाटर चेंज एवरी डे. ओके एंड आई हैव ग्रोन बिग बिग फिश बाई फीडिंग ओनली 2 times ऑल्सो. ओके इट्स नॉट कंपल्सरी यू हैव टू फीड 3 times 4 times 5 times. ओके इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. डू यू डू डेली वाटर चेंज और यू डोंट? आई डोंट डू डेली वाटर चेंज. कितना दिन के बाद बात करते हो एंड हाउ मच? सो आई टेल यू बेसिकली वॉट आई डू गेट अप इन द मॉर्निंग a heavy breakfast for them first. So of course goes whatever I have, heart mix or goat heart, I feed that. Then dupair ko ek khana jata hai. Then after that mera pellets food, artemia, blood bombs wo chalu hota hai because wo jaldi digest ho jata hai. Discuss ka average size hai suppose 3-4 inch to honge minimum 3-4 inch. But basically I buy small ones only. Okay, kyo to kitna din ke baad aap water change karte ho in that case? Every 2 days. Every 2 days. But अगर मैं अगर मुझे ना हो at least every 2 days तो water change करना चाहिए. I do it. I don't know about it because I have filters also inside. Filters means sensible. Should be having some sensible filters, not दुनिया भर का filters inside. अच्छा. I don't do. What filters you keep? I keep Swan filter and top filter. That's it. मैं ज़्यादा कुछ रखता नहीं. Okay. I keep that thing and I play with bacteria. That's more important. If you don't play with bacteria, it takes around a lot of time to develop inside. Around at least 2 to 3 weeks, I think so. If I am wrong, please comment box में डाल दीजिए नीचे. ज़्यादा भी हो सकता है because then I don't clean the glass that much. Okay, when I feel, because sometimes heart mix से protein भी निकलता है white, sticky sticky होता है, तो I need to clean that. But when it's आप कुछ banana या तो egg yolk ऐसे कुछ डाल देते हैं? नहीं नहीं, मैं वो सब binding में वो जब starting में जब बनाते थे तो मैं थोड़ा बहुत डालते थे starting में वो सब. अभी it's not good enough or it's not required as you're telling. See every मार्केट में बहुत वेजिटेबल्स है, सब कुछ है, अगर डालने के डाल दो. सो आई वुड सजेस्ट यू इफ आर मेकिंग फूड आल्सो एवरी वीक एक टाइम बनाना डालो, एक टाइम मत डालो, एक टाइम गार्लिक डालो, एक टाइम मत डालो. अच्छा, वी कैन चेंज आल्सो. कीप चेंजिंग, कीप चेंजिंग फॉर द फिश एज वेल. थोड़ा बहुत डिफरेंट चेंज चेंज भी मिलेगा उन लोगों को. इट कीप्स चेंजिंग एंड डिफरेंट एंड नाइस आल्सो. एक ही खाना कितनी बार खिलाएगा? बोर होते हैं लोग. दैट्स व्हाई आई कीप माय मैं तो हार्ट मिक्स, गोट हार्ट, वाइल्ड D50, सेरा, ये ऑल्टरनेट डे ऐसा डालते ही रहता हूँ मैं. बेस्ट फॉर D50. हाँ, वो वॉट एवर उसके अंदर कंटेंट है पैलेट्स के अंदर. जो पैलेट्स के अंदर कंटेंट है वो हार्ट मिक्स के अंदर नहीं रहता है. बिल्कुल. तो उसमें क्या पैलेट्स में प्रोबायोटिक्स रहता है. आपका बीफ हार्ट मिक्स और गोट हार्ट मिक्स का आपका प्राइस क्या है? मेरा एक्चुअली आई डोंट वांट टू टेल ऑन द प्राइस पार्ट बिकॉज माय राउंड अबाउट प्राइस, राउंड अबाउट जस्ट एन अप्रोक्स प्राइस. Oh, secret talks. If anyone must have heard it from the mic, that's okay, different. Okay, very clever, very clever. You know why I'm not telling you? Because of few people in the market. I was free in the market. I used to be very free. ये लो मेरा rate ये है, मेरा rate ये है. But बाद में पता चला कि उन लोग ने भी मेरे से भी कम किया है. तो I understood किया कि अभी ये लोग. That is okay. पर ये चीज बोलिए, आप भी पकड़ लीजिए, ठीक है? You don't want to mention in the media, that is pretty okay. But आप जो मुझे at least बोले, मेरा कान में at least हाश हाश. हाँ, secret, हाँ, secret talks. तो tell me that is ये जो वो छोटा सा ही जो difference है. हाँ. तो is it actually really possible कि जो गोट हार्ट बोल के बेच रहे हैं वो रियली गोट हार्ट बोल के ही बेच रहे हैं? यानी तो डिफरेंस इज सो माइनर, जस्ट 150-200 रुपया लाइक दैट. तो क्योंकि बीफ हार्ट इज दैट इज बहुत बीफ हार्ट इज बहुत सस्ता होता है एंड गोट हार्ट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो ये बस एक बहुत माइनर एक जो डिफरेंस प्राइस का होता है जो मोटा मोटा हर जगह हम लोग सुनते हैं, मे बी कैलकाटा से लेके एवरी वेयर. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ मुंबई. तो इज इट पॉसिबल ना कि इधर में कुछ मैनिपुलेशन होने का भी कुछ, नॉट मैनिपुलेशन आई मीन एडल्ट्रेशन होने का भी कुछ चांसेस कुछ होता है क्या? है, बहुत चांसेस होता है. क्योंकि वंस मैंने भी ऑर्डर किया था एक बार गोट हार्ट
और बाद में मेरे को पता चला कि वो एनिमल हार्ट था, मैं ऐसा ही देख रहा हूँ बिकॉज पब्लिक अपने ऊपर ट्रस्ट करके बोल रहे कि लेने के लिए exactly, I come to know कि ओके बिकॉज यू कम टू नो गोट हार्ट एंड एनिमल हार्ट यू इजिली कम टू नो गोट हार्ट डजन हैव बिग बिग फैक्ट्स जो टिश्यू जैसा रहता ना वो नहीं रहता है तो आई एम लूमिंग एंड सीइंग अरे ये क्या सीन्स है तो आई स्टॉप बाइंग फ्रॉम दैट पर्सन आई बाई फ्रॉम अदर पर्सन एंड ही शोज मी कि ये है देख सो वेन ही गो वैन आई गो अदर ही ग्राइंड इट फॉर मी एंड देन ही गिव्स टू मी सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द गोट हार्ट पार्ट द अदर पर्सन हु हैज गिवन मी आई डोंट टेक इट फ्रॉम हिम नाउ एनी मोर सो आई जस्ट टेक हार्ट मिक्स फ्रॉम हिम दैट्स इट क्योंकि देखिए अगर कोई भी ऐसा करता है दैट इज एक्चुअली द वेरी रॉन्ग थिंग एंड दैट इज यू लाइक यू आर प्लेइंग विद द ट्रस्ट ऑफ द हॉबीज देखिए हॉबीज विल बी वेरी प्लीज टू हां मुझे गोट हार्ट में इतना कम प्राइस में मिल रहा है बट द रियलिटी अच्छा नहीं लगता है कभी कभी गिल्ट फील भी अंदर हो जाता है कि अरे यार ये क्या दे रहे अपने को एंड वी कांट गिव दैट इन फ्रंट अच्छा नहीं लगता है कभी कभी गिल्ट फील भी अंदर हो जाता है कि अरे यार ये क्या दे रहे अपने को एंड वी कांट गिव दैट इन फ्रंट वी डोंट वांट टू सी आई ओके हां सबका फैमिली फैमिली वो सारा रिस्ट्रिक्शन है सो आई डोंट मेरे को वो नहीं करने का था तो फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं आई विल टेक गोट आउट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पर्सन ओनली एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि ऐसा हो गया मेरे साथ सो यू डोंट डू दिस विद मी सो ही लाइक नो 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 Whenever you want anything from me, just let me know. मैं तेको on the spot grind करके देगा and I'll show you also कि साफ हो रहा है देख मेरे So the best part is वो मेरे को दिखाते कि ये देख साफ हो रहा है वही मेरे को grind करके I take that 10-20 kgs and go from there. तो मतलब people I'll ensure it. आपसे जो भी लेता है it's an assurance from your end कि अगर आप उसको goat heart बोलते हो goat heart ही है नहीं बाकी कुछ नहीं बाकी everything is basic nice feed them properly look at observe them I would say observe your fish every day. Which a lot of people miss knowing there are a lot of well-known people in the market who knows everything. You must have taken interviews also. Absolutely. Bombay aaya to of course liya rahega interview. Absolutely. I'm just a small part of it. Mm-hmm. Okay, and I just like to be silent. I don't want to talk much, but okay. silent में काम करो अच्छी तरह से करो. ज़्यादा बात करेगा तो कुछ नहीं होता. अच्छा तो just in case किसी को आप all India भी भेजते होगे, but I suppose कोई all India में heart beat से सब तो लेता नहीं होगा. लेता रहता है. Locally लेता. In that case kindly आपका number दे दीजिएगा, contact share कीजिएगा, और आप कैसे भेज सकते हो ये भी ज़रूर बताइएगा. मेरा number 98 screen पे 9833214466 मेरा number तो रहेगा ही. Minimum 3-5 kgs. Okay, whatever. हाँ हार्ट मेक्स यू प्रेफर उसमें ब्लड वर्म्स भी रहेगा इफ़ यू वांट ब्लड वर्म्स अल्टीमिया का सीजन इज़ वेरी बैड नाउ तो प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा अल्टीमिया में आई इवन सेल पैलेट्स D50 पैलेट टेरास सो इफ़ द हॉबिस्ट वांट माय दैट आल्सो देन आई हैव सो दैट इज आल्सो वेरी सुपर हिट फॉर मी एंड देन पैलेट्स फूड व्हिच आई डू ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पैलेट्स सो इफ़ यू वांट सेपरेटली दैट इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन हार्ट मिक्स ऑर्डर फ्रॉम मी आई कैन गिव यू प्रोवाइड यू विद दैट आल्सो शिपिंग विल बी सेपरेटली wherever यू वांट आई कैन सेंड यू बाय कुरियर Only the powder part, pellets part, I can do that and all the things. And shipping, I put it in a thermocol box with dry ice, proper packing, and then I can send it to you however you want, by train, bus, whatever. That's the thing. So, दोस्तों इस कदर से I'm very sure आपको ये वीडियो में बहुत ही मजा आए होंगे from a very wonderful person and very talented person. तो ज़रूर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर कुछ पसंद नहीं आए तो वो भी ज़रूर लिखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिस एक्वा इफ़ यू लाइक इट तो आज में इतना तक हम लोग मिस्टर डिसूजा जी को हम लोग बहुत बड़ा थैंक्स देते हुए वी वाइंड अप टुडेज़ वीडियो थैंक यू थैंक्स अ लॉट ब्रो थैंक यू